मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राई। सब बच्चों की पसंद की है फ्रेंच फ्राई। इसके लिए मैंने चार आलू लिए हैं। इसको मैंने छील के धो लिया था। मेरे पास अभी छोटे आलू हैं, आप इसके लिए बड़े आलू ले लें। अब हम इसके तीन पीस करेंगे। और इसके ऐसे भाग करें। और ये ठंडा पानी है नमक वाला, इसमें डालते हैं। इसी तरह से हम हमारी सारी फ्रेंच फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमने हमारी सारी फ्रेंच फ्राई काट ली है। अब हम इसको ठंडे पानी में नमक डाल के 10 मिनट तक रख देंगे। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसका पानी निकाल लिया है सारा। अब हम इसको एक कॉटन के कपड़े से पूछ लेंगे। हाँ, इसको पोंछ लेंगे बराबर से। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करके एक पैन रखेंगे, इसको गर्म होने देते हैं। हमारा गर्म हो चुका है, ऑयल डालेंगे। ये हम डीप फ्राई करेंगे, इसके लिए ज़्यादा ऑयल चाहिए। ऑयल को भी थोड़ा गर्म होने देंगे। देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम फ्रेंच फ्राई डालेंगे। पलटते जाए ताकि हमारी फ्रेंच फ्राई बराबर से फ्राई हो, और हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करें। ये देखिए, हमारी फ्रेंच फ्राई फ्राई हो चुकी है। इसे अब प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से हम हमारी सारी फ्रेंच फ्राई को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी फ्रेंच फ्राई फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसके ऊपर हम होममेड पेरी पेरी मसाला छटकेंगे। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।